हेलो एवरीबॉडी, सबसे पहले मैं आज उन सब कैंडिडेट्स को मुबारकबाद दूंगा जिन बच्चों ने मेहनत करी और एक एग्ज़ाम पास किया। कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए तीन लोगों का बहुत योगदान होता है। एक तो बच्चों का खुद का, बच्चे जो मेहनत करते हैं, जो भी टीचर ने उनको बोला, जैसे भी बोला, जो भी स्ट्रेटेजी आपको बताई वो आपने फॉलो की और आपने एग्ज़ाम क्लियर किया। दूसरा स्टेक होल्डर इस पूरे प्रोसेस में होता है टीचर, जो पूरी मेहनत करके, और टीचर वो जिसका खुद का अपना एक लेवल है, अपनी एक अच्छी बैकग्राउंड है, उसकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, उसका तजर्बा है और सबसे बड़ी बात उसका पैशन है। हमारी जितने भी टीम है पायनियर्स एकेडमी की, उन सब लोगों का पैशन बोलता है जब आप लोग पास करते हो। देखिए, अच्छी टीचिंग लर्निंग इंस्टीट्यूशन का जो मेन जो एक डिटर्मिनेंट है, फैक्टर है, वो है आपकी कामयाबी। इसलिए, और तीसरा स्टेक होल्डर आपके पेरेंट्स, जो आपको सपोर्ट करते हैं बाय ऑल मींस। लेकिन टीचर्स का स्ट्रेटजी, उनका पढ़ने पढ़ाने का तरीका, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका अपना लेवल और उनका पैशन, ये बहुत मैटर करता है। और बच्चों का अपना जो मेहनत है, उस स्ट्रेटजी को वो जो पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं और मेहनत करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और पूरी मेहनत करके पास हो गए। एक बार फिर आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है। बहुत सारे बच्चे, मैंने पिछली बार भी बोला, जो हमारे पास जेई की कोचिंग लेके गए लेकिन एक एग्जाम पास कर गए। चलिए, हमारा तो एक ऐसा नाम है पायनियर्स एकेडमी का जो आज नॉर्दर्न इंडिया में नंबर वन एकेडमी के तौर पे लिया जाता है, और हमारा जो वर्ड ऑफ माउथ है, हमारी जो गुडविल है, वो ट्रेवल कर गई है पूरे J&K में। और हमने थोड़े ही दिन पहले, कुछ दिन पहले, मैंने एक वीडियो के द्वारा आपको बताया कि हम लोग ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं। तो विद योर ब्लेसिंग्स, विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ द ऑल व्हाट आवर टीचर्स आर डूइंग, हम लोग तीन दिन पहले हमारा बैच शुरू हो गया और बड़े अच्छे ढंग से पहला बैच लॉन्च हो गया। मैं उन सब बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखा और उन्होंने ज्वाइन किया हमको। अब कुछ दिनों से, पहले ही दिन से बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं हमको कि आप ऑनलाइन बैचेस शुरू कर रहे हैं। उसका कारण है, बहुत सारे बच्चे बच्चियां पूरे कश्मीर से हमको कॉल कर रहे हैं, उनको आने में दिक्कत हो रही है, रहने खाने पीने की दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे पूंछ, रजौरी, डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, दूर दराज के इलाके के बच्चे हमें टाइम एंड अगेन अपील कर रहे हैं कि सर आप करिए हमारे लिए भी ऑनलाइन बैच। तो हमने आज फैसला लिया, पूरी टीम ने, कि हम एक ऑनलाइन बैच शुरू करेंगे और हमारा ऑनलाइन डेमो क्लासेस 11th अक्टूबर को, मंडे को हम स्टार्ट कर रहे हैं, 11th अक्टूबर मंडे। और वो जो क्लास होगी, जो हमारी डेमो क्लास होगी, वो पूरे 12 बजे से लेके 1 बजे तक के घंटे की क्लास हमारी डेमो क्लास होगी। दो तीन दिन हम डेमो क्लासेस देंगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सब बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिन बच्चों ने हमको बार बार टाइम एंड अगेन कॉल किया कि आप ऑनलाइन बैच शुरू करें। तो हम आपके लिए ऑनलाइन बैच भी शुरू करने जा रहे हैं 11th of October मंडे, और हम 12 से 1 एक घंटे की रोज आपको डेमो क्लास देंगे दो तीन दिन, उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे हमारी। ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरा स्मार्ट क्लास रूम है, आप देखें यहाँ इंटरैक्टिव बोर्ड लगा है पीछे जिसके ऊपर हमारी क्लास होगी। और आपको इमिजिएटली उसके बाद थोड़े घंटे के बाद, जैसे क्लास इंटरैक्टिव क्लास खत्म होती है, आपको वीडियो भी पहुंच जाएगा, तो आप उसी क्लास को एक बार फिर दोबारा अटेंड कर सकते हैं एक ही दिन में। और इसके साथ ही अब मैं आमंत्रित करूँगा मिस्टर अनमोल जी को, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टीचर हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और आपके बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अच्छे ढंग से जानते हैं। इनका नाम सुन के ही लोग बड़े खुश होते हैं बच्चे। इनका जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है।
शांत स्वभाव के हैं, अच्छे हैं, तो आप इनसे सुने थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेटेजी कैसे रहेगा, कैसे काम होगा। मैं अब ये माइक इनको हैंड ओवर करता हूँ। हेलो टू ऑल, वेलकम टू द पॉइंटर्स एकेडमी। ठीक है, जैसे कि आपको सर ने बता भी दिया होगा कि हम अपना जो एक ऑनलाइन बैच है वो लॉन्च करने जा रहे हैं 11th से। ठीक है, तो देखो इससे पहले भी बहुत सारी कॉलें आ चुकी हैं, सर को भी काफ़ी बच्चों ने पूछा कि सर आप ऑनलाइन बैच जो है वो क्यों नहीं अपना शुरू कर रहे हैं। देखो उसका जो रीज़न था वो यही था कि हमारा जो मानना है इंस्टीट्यूट का वो यही है कि जब तक हमारे पास पूरा अवेलेबिलिटी सोर्सेज की नहीं है तब तक हम उस चीज़ को नहीं प्रोसीड करेंगे। बट अब करंट सिचुएशन में हमारे पास पूरे सोर्सेज हैं। ठीक है, जैसे कि सर ने आपको इंट्रोड्यूस करवा भी दिया होगा कि हमारा प्रॉपर एक स्टूडियो भी आ चुका है, साथ ही साथ हमारी जो पॉइंटर्स एकेडमी की ऐप है, ठीक है, वो भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, तो जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब हमने भी अपना जो ऑनलाइन बैच है वो लॉन्च कर दिया है 11th of October से। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो आपको इसमें जो आज का जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे बताने के लिए कि इस बैच में आपको क्या हेल्प मिलेगी या किन लोगों को ये बैच स्पेशली ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं कि जो पुराने बच्चे हैं स्पेशली मैं उनकी बात करूंगा कि हम अभी बैच ज्वाइन करें या हम पेपर का वेट करें। ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा कंसर्न हूँ क्योंकि वो अभी भी कॉल करके ये बातें पूछ रहे हैं कि सर क्या एग्ज़ाम जो है वो आपकी जो डेडिकेटेड डेट्स हैं जो भी 27 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक है वो क्या हो जाएगा या ये कंबाइन होगा जो आपकी 163 पोर्ट्स निकली हैं उनके साथ। देखो पहली चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए कि क्या आपका एग्ज़ाम कंबाइन होगा या इन्हीं डेट्स में हो जाएगा, मैं प्रिपेयर करूं या नहीं प्रिपेयर करूं। आप लोग खुद ही एक चीज़ बोलते आ रहे हो कि सर जो 3-4 साल से हम तैयारी कर रहे हैं पेपर नहीं आ रहा, पोस्टें नहीं आ रही। देखो अब आपके पास पोस्टें भी हैं, आपका एग्ज़ाम भी डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ आपने यहाँ 3-4 साल अपना टाइम दिया है वहाँ आप 1 महीना 2 महीना अगर आप टाइम अपना दे भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बजाय इन चीज़ों में कि पेपर कब होगा आप इस मंथ को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। आप बोलते हो कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सर हम तैयारी करते रहेंगे तो हम थोड़ा सा मेंटली होता है कि अभी पेपर कैंसिल हो गया। ठीक है, बट ये आपको फायदा ही देगा इन फ्यूचर। तो पहले मैं पुराने बच्चों की बात कर लेता हूँ क्योंकि वो जरूरी हैं, वो ज़्यादा परेशान हैं। तो देखो आप घबराओ मत, अपनी इस महीने की जो तैयारी है वो अपनी 100% रखो, ये आपको फ्रूटफुल ही रहेगी चाहे पेपर होता है या चाहे नहीं होता। आप डिसाइड करके रखो कि आपका पेपर जो है इन डेट्स में ही होगा। सपोज अगर पेपर नहीं होता तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एक फुल लेंथ का जो पेपर है वो दे दो, आपको पता चल जाएगा कि अगर एक्चुअल पेपर होता तो आप कितना स्कोर करते, कहां स्टैंड करते। और अगर पेपर हो गया तो इससे ज्यादा अच्छी बात कोई है भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नए बच्चों के लिए जो हमारा नए बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन 11th of October से। ठीक है, साथ ही साथ हमारा ऑफलाइन बैच भी जो है वो शुरू हो गया हुआ है, उसमें भी एडमिशंस जो है अभी चल रही हैं हमारी। तो साथ ही साथ ये हमारा ऑनलाइन बैच जो है वो भी शुरू होने जा रहा है। तो देखो अभी करंट जो है हमें क्या फॉलो करना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी देखा गया है कि जो अभी करंट पैटर्न है एग्जाम का, ठीक है, वो अगर मैं बात करूं कि क्या जो 2014 में पेपर हुआ था या जो 2015 या 16 में जो पेपर हुआ था क्या उससे मिलता जुलता है, क्या वही लेवल का पेपर आएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं क्योंकि लिए आपका जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हो गया है। कंपटीशन की वजह से, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो गया है तो आपका जो लेवल है एग्जाम का वो भी इंक्रीज हो चुका है। ये आप बच्चों की वजह से ही हुआ है। ठीक है, कोई पेपर टफ नहीं डाल रहा है, ये आप लोगों की वजह से ही हुआ है क्योंकि बच्चे अब ज्यादा अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो पैटर्न है क्योंकि हमें भी उस हिसाब से चेंज करना है, पहले भी हमारा यही था। ठीक है, सबसे पहली चीज जो बच्चों का डाउट है कि हम लॉकडाउन में पढ़े नहीं है। ठीक है, 2-2 साल बच्चे कॉलेजेस नहीं गए हैं, ये भी आपके पास फैक्ट है। तो वो लोग जरूर ये पूछते हैं आते समय कि सर हमें बेसिक से ही पढ़ाएं। देखो पहले तो एक टीचर का यही फर्ज है, मेरा यही फर्ज है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका भी यही फर्क है। जो मेन मोटो है वो यही है कि आपको बेसिक्स ही पहले पढ़ाए जाए सारे के सारे। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं है कि क्या ये पढ़ाए जाएंगे, तो ये तो चीज है ही नहीं है। तो हम आपको सारा का सारा जो बेसिक्स है प्लस आपका जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं,
ठीक है, ये कहां से पता चलता है हमें? तो देखो, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो रहे हैं, कहां पे हो रहे हैं? तो आप बोलोगे क्या क्या जे एंड के स्टेट की बात कर रहे हैं? देखो नहीं, हम जे एंड के स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, इन पेपर्स के एनालाइज के बेसिस पे नहीं हम आपको कुछ बता रहे हैं, हम आपके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो पैटर्न चल रहा है अभी करंट, अगर हम बात करें जो इस महीने या इससे पिछले महीने की बात करें, तो 4 से लेके 5 पेपर हुए हैं। आप बोलेंगे कौन से पेपर हुए हैं सर आप जो बात कर रहे हैं? तो देखो, राजस्थान डिप्लोमा का पेपर हुआ है अभी, ठीक है, करंट पिछले महीने की बात है। उसके बाद आपके पंजाब का पेपर हुआ है एसडीओ का, चंडीगढ़ में पेपर हुआ है जेई का, हिमाचल में पेपर हुआ है जेई का, ठीक है। तो इन सारे पेपर को एनालाइज करके जो है वो हम बता पा रहे हैं आपको कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से करना है, क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। उसके बाद एक डाउट आपके माइंड में रहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कि सर बुक कौन सी पढ़ें, कौन सी बुक से पेपर आएगा, क्या ये मैं बता सकता हूँ कौन सी बुक से पेपर आएगा? तो देखो, मैं नहीं बता सकता, ये कोई भी नहीं बता सकता किस बुक से पेपर आएगा, बट हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम अच्छे से पढ़ें, जैसे कि हम पढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ें तो पेपर जहां मर्जी से आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा हुआ है हमारे एई के एग्जाम में, ठीक है, जिन बच्चों ने वही स्टेप फॉलो किए हैं जो हमें बताए गए, हमने उनको बताए, ठीक है, श्याम सर ने स्पेशली उनको गाइड किया, हमारी टेस्ट सीरीज उन्होंने ली, इवन कि हमारे जब ऑफलाइन बैचेस चल रहे थे लॉकडाउन से पहले, उसको अच्छे से टेस्ट सीरीज फॉलो की, और ये वही बच्चे हैं जो आज सेलेक्ट हुए हैं। उनको कोई बुक नहीं दी गई थी कि ये बुक पढ़ लीजिए आप, उनको ये बताया गया था कि जो पढ़ा रहे हैं इसी को अगर हम अच्छे से पढ़ लें तो हम इसी में से पेपर जो है अपना क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बैच रहेगा उसके मैं पहले मैं आपको बता दूं किस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, अक्टूबर 11 अक्टूबर से जो हमारा ये बैच शुरू हो रहा है उसमें देखो हमारा एक तो इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, लाइव क्लासेस रहने वाली हैं, बिल्कुल भी देखो लाइव क्लास होंगी तो ऑनलाइन का फायदा है। अगर आप बोलेंगे कि हम आपको जो क्लास है वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दें तो देखो उस चीज का कोई बेनिफिट आपको नहीं रहने वाला, ठीक है। हाँ, जो लाइव क्लास हमारी हो गई होगी हमारी ऐप में, पॉइंटर्स एकेडमी के नाम से हमारी ऐप है, जो बार बार मैं आपको रिपीट भी कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू जो हमारी लाइव क्लास आप अटेंड कर रहे हो, उसके बाद कभी कभार क्या होता है कि कोई डाउट रह भी जाता है, फिर से आपको उस चीज को रिपीट करके देखना है, तो आप उसको रिकॉर्डेड सेशन में भी हमारे देख सकते हो इवनिंग में, जैसे मॉर्निंग में अगर आपकी लाइव क्लास होती है तो इवनिंग में हमारा रिकॉर्डेड सेशन भी आ जाता है। नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया एक आपके नोट्स की बात, यहां से तो आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारा जो हर चैप्टर है उस हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स आपको कहां पे मिलेंगे, तो हमारी पायनियर्स एकेडमी की ऐप में मिलेंगे, जो आप घर पे बैठे कभी भी दे सकते हैं बट विद इन अ लिमिटेड पीरियड। वो हम आपको बताएंगे कि एक दिन में आप टेस्ट दे दीजिए ताकि हम उसको कंपाइल करके बता सकें कि 20 बच्चों ने टेस्ट दिया, 30 ने दिया, तो आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपको आपका लेवल पता चलता रहेगा। उसके बाद ये तो होगी चैप्टर की बात, उसके बाद हम इस चैप्टर के बाद दो दो तीन तीन चैप्टर का टेस्ट लेंगे, ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, फिर इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, और उसके बाद हर सब्जेक्ट एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंबाइन होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने सर्वे पढ़ा तो इसको बिल्कुल 360 खत्म कर देंगे हर ऑब्जेक्टिव। अब आप बोलोगे कि किसी बुक का ऑब्जेक्टिव, नहीं, किसी बुक का ऑब्जेक्टिव की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं उन ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूं जो करंटली आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेंड है, बुकें तो आपके पास भी हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरा खत्म करने के बाद सपोज आपका शुरू होता है हाईवे इंजीनियरिंग आपका शुरू होता है, तो इसका इंडिविजुअल टेस्ट जब खत्म हो जाएंगे, फिर हम इन दो को कंबाइन करेंगे। अगर मैं आपको जगदम से बोलूं कि 10 सब्जेक्ट का जाके टेस्ट दे दो तो क्या आप परफॉर्म कर पाओगे यहां 10 सब्जेक्ट के टेस्ट में? आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? आप उस चीज के हैबिचुअली नहीं हो। तो पहले हम आपको आदत डालेंगे, ये भी हमारा ही काम है, पहले हम आपको आदत डालेंगे आप 2 सब्जेक्ट का टेस्ट दो, फिर हम आपको आदत डालेंगे 3 सब्जेक्ट का टेस्ट दो, फिर बोलेंगे 6 का दो, 8 का दो, और फिर बोलेंगे 10 का दो, और ऐसा ही हम फॉलो करते आ रहे हैं, और ऐसा ही जो हमारे बच्चे निकले हैं उन्होंने ये गाइडेंस सुनी है और आज वो बिल्कुल बेफिक्र होके बैठे हैं, वो कभी नहीं पूछ रहे हैं हमसे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं सर पेपर कब होगा, बट जिन्होंने हमारा स्टेप फॉलो किए हैं, ठीक है, श्याम सर की गाइडेंस फॉलो की है, ठीक है, उनको ये चीज क्लियर है, पेपर जब मर्जी हो हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा कुछ
अरेंजमेंट है। उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन है आपकी पॉइंटर्स एकेडमी, इसमें हमारी कुछ क्विजेज भी आती रहती हैं, प्लस हमारे कुछ नोट्स भी एड ऑन होते रहते हैं। ठीक है, कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो बुक्स में नहीं होते हैं, ठीक है, वैसे नोट्स आपको यहाँ एड ऑन मिलते रहेंगे। प्लस हमारी क्वेश्चन बैंक सीरीज जो है, ठीक है, अब कुछ वो बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं सर हम SSC की तैयारी कर रहे हैं, होता है कभी कभार उसकी भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं जिसमें आपको JEE, AEE, SSC के क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी एक वीडियो था आपके ऑनलाइन कोर्स के लिए, और कुछ हमारे जो पुराने बच्चे हैं जो इस सोच में है कि पेपर कंबाइन होगा या अलग अलग होगा, मैं एक बार फिर से बता दूं, जहां आप लोग खुद बोल रहे हो 3-4 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो आप क्या 2-3 महीने, 1 महीने, 15-20 दिन का वेट नहीं कर सकते? अपनी तैयारी मत छोड़ो, 27 से 30 अक्टूबर अपनी डेट फिक्स करके रखो। पेपर हो गया वेल एंड गुड, पेपर नहीं भी हुआ तो भी आप एक ऑनलाइन टेस्ट देंगे, फुल लेंथ टेस्ट देंगे, ताकि आपको पता चल सके आप कितना तैयार थे इस डेट को। ठीक है, तो आगे भी हम आते रहेंगे इन वीडियोस के साथ आपके साथ, हो सकते हैं नेक्स्ट फ्यू डे में कुछ स्ट्रेटेजी भी फॉलो करें, कुछ बताएं आपको। तो तब तक के लिए थैंक यू।